पहले पता कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। काफी अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ, वकील के लिए बम्पर वैकेंसी आई है। वकील जो है इसे बस एक पेज है जो वो मैं बता दूंगा, क्वालिफिकेशन में आता है वो। पहले पता कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 185 वैकेंसी आई है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें थोड़ा कम मांगा है एक्सपीरियंस, तो इस कैटेगरी में बहुत लोग फिट हो सकते हैं, तो फॉर्म फिल कर देना जो जो एलिजिबल है। और मुझे इतना याद आ रहा है कि शायद मैंने इस पे वीडियो बना रखा है या नहीं बना रखा, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। बट इसका क्या, फॉर्म 4/1/2024 से चालू हो रहा है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे लगा मेरे को बता देना चाहिए। अगर कई बच्चे ने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो फॉर्म फिल कर देंगे। अगर बना रखा है मैंने इस पे वीडियो तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने यार बहुत सारी लॉ की वैकेंसी बताता हूँ तो मुझे भी याद नहीं रहता, तो निकल जाता है दिमाग से, तो आप समझ सकते हो। बाकी मैं बात कर लूंगा इस वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी अगर एलिजिबल हो मिस मत करना, काफी अच्छा नंबर है, बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले इस वैकेंसी की बात करते हैं अपन। एडवर्टाइजमेंट है, एक पन्ने का है, आप फोटो देखो आराम से, थोड़ा धुंधला हो रहा होगा, मैं रीड कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, सारी चीज ब्रीफ में बता दूंगा। ये नोटिफिकेशन है ही ऐसा, मतलब धुंधला ही हो रहा है, जहां मेरे पास भी ऐसा ही आया है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 26 वैकेंसी है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 88 वैकेंसी है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 185 वैकेंसी है। ठीक है, 185 काफी बड़ा नंबर होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, बहुत लोग फिट हो सकते हैं एक्सपीरियंस के मुकाबले, तो आप देखना एक बार वीडियो देखे ढंग से। देखो इसमें एज भी बताना कि एज क्या है, मैक्सिमम 45 है एज, एज रिलैक्सेशन भी है, 5 ईयर SC ST कैंडिडेट्स को है, 3 ईयर का है OBC MOBC कैंडिडेट्स को, 10 साल का है फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विस मैन वालों को। ठीक है, इसमें डेट भी दे रखी है 1/1/2024। रिजर्वेशन के रूल्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे इसमें सारे। बेसिक पे बता देता हूँ, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर जॉब में, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, हर कोई सैलरी पे, सैलरी के लिए ही जॉब करता है, मेन मोटिव पैसा ही है सबका जॉब जो करता है। और गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट की पेंशन, आजकल तो पेंशन काफी स्टेट में बंद हो गई है, राजस्थान में तो चालू कर गई थी गहलोत सरकार, और ठीक है पेंशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और किसी भी प्राइवेट सेक्टर के भी एम्प्लॉय के लिए पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेरा ये मानना है, क्योंकि जब आप रिटायर्ड हो जाते हो ना उसके बाद आपका वही सहारा है और वही आपको सपोर्ट करती है सारी चीज, आपकी बीमारियों में भी, आपकी किसी भी चीज में ले लो, खाने पीने में, तो पेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या सैलरी रहेगी। 65,000 से लेकर 1,12,000 तक है, ग्रेड पे रहेगी 18,000, मतलब 18,500 प्लस 30% स्पेशल अलाउंसेस भी मिलेंगे बेसिक पे के, और अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर 1,10,000 तक, ग्रेड पे है इसकी 17,500 प्लस 30% स्पेशल अलाउंसेस बेसिक पे के और अदर अलाउंसेस रहेंगे। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है 30,000 से लेकर 1,10,000 सेम है, ग्रेड पे भी, ग्रेड पे कम है, 16,900 प्लस 30% स्पेशल अलाउंसेस रहेंगे बेसिक पे के और अदर अलाउंसेस रहेंगे। अब क्वालिफिकेशन जो मेन मोटिव है, क्वालिफिकेशन लॉ की डिग्री है, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, लॉ की डिग्री होनी चाहिए इसमें। बात आती है एक्सपीरियंस की, अब बात करते हैं सर्विस क्वालिफिकेशन क्या है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए हैविंग एडवोकेट होनी चाहिए, आप 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉट लेस देन 8 ईयर, इसमें साफ मेंशन है। और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 साल का है, नॉट लेस देन 7 ईयर। ठीक है, क्रिमिनल साइड, दोनों में क्रिमिनल साइड लिखा हुआ है, ध्यान रखना। और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो मैं कह रहा था इसमें थोड़ा कम मांगा है, इसमें नॉट लेस देन 3 ईयर, तो नॉट लेस देन 3 ईयर बेसिकली ऑन क्रिमिनल साइड, हिसाब मेंशन है क्रिमिनल से होना चाहिए, क्रिमिनल का आपने प्रैक्टिस करी हो, सिविल मैटर नहीं क्रिमिनल मैटर। ठीक है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल मैटर ही देखते हैं, और मुझे जहां लिख लिया आसाम में लिख लिए, उधर का मुझे पता नहीं है, पर राजस्थान में तो सिविल मैटर नहीं मिलता सरकारी वकील को, क्रिमिनल मैटर ही मिलता है। अब अपन इसकी फीस की बात कर लेते हैं, फीस ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो हर कोई फिल कर सकता है अगर आप एलिजिबल हो तो, कंडीशन अप्लाई है। इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा मांगा है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और 7 पॉइंट भी पढ़ लेना, डोमिसाइल होने चाहिए आप आसाम के,
कैंडिडेट मस्ट बी इन कैंडिडेट मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम। थोड़ा धुंधला हो रहा है तो इसलिए रीड करने मुझे भी दिक्कत हो रही है। साफ साफ लिखा हुआ है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम, तो ये आसाम वालों के लिए है। अगर कोई वीडियो देख रहा हो आसाम से तो कमेंट जरूर करना। और कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमें क्यों बता रहे हो, हमें क्यों बता रहे हो। हर स्टेट के स्टूडेंट, मतलब हर स्टेट के सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे, और हर स्टेट के स्टूडेंट है लॉ के जो वीडियो देखते हैं, जॉब ढूंढते हैं, तो उनको ये मिलेगा। और सीनियर भी देखते हैं मेरा वीडियो, तो एलिजिबल है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छी जॉब है, मैं बाद में बताऊंगा इस जॉब के बारे में। देखो तो फीस तो बात कर लेते हैं अपन। 300 रुपए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 200 रुपए SC ST OBC MOBC के लिए, और 50 है BPL के लिए। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आपको यही बता देता हूँ। हाउ टू अप्लाई 8.8 पढ़े आप, इसमें आपको सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ आसाम, होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, रूम नंबर 226, ब्लॉक सी, सेकंड फ्लोर, जनता भवन, ये गुवाहाटी, बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट बाय हैंड बिटवीन 11 AM से 4 PM। ठीक है, आप खुद जाके जो आसाम के हैं वो खुद भी जाके दे सकते हैं, और नहीं तो आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो। और इसमें साफ लिखा है 30/1/2024 इस महीने की 30 तारीख से पहले पहुंच जाए फॉर्म उनके पास, और इसका अवेलेबल सारे डाउनलोड आप कर सकते हो 4/1/2024 जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन था कि मैंने पहले बना रखा है, मुझे ऐसा सिमिलर जॉब लग रही है कि मैंने बनाया है पहले वीडियो। अगर वो सेम है तो ठीक है, एडजस्ट कर लेना अगर दोबारा देख रहे हो तो, अगर नहीं देखा तो बढ़िया फॉर्म फिल कर लेना आप लोगों के लिए। कुछ बच्चों को लगेगा सर दोबारा बना दिया आपने, दोबारा बनाया तो बताना कमेंट करके, जो मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने इसमें सारा बता दिया, एक पन्ने का नोटिफिकेशन था, डिटेल में बता दिया, बट ऐसे शॉर्ट नोटिफिकेशन होता है तो मजा भी आता है। वैसे इतने बड़े 15-15 पन्नों के निकाल देते हैं, इसमें सब चीज लिखी हुई है, फीस के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, और कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बढ़िया नोटिफिकेशन, इसमें आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा। फोटो तो आपने देख ली होगी। ठीक है, नंबर काफी अच्छा है वैकेंसी का, आसाम वाले फॉर्म फिल कर देना जो जो एलिजिबल है, और एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन काम कर जाएगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ऐसा नहीं कि इसमें जजमेंट मांग रहे हो, इसमें ऑर्डर मांग रहे हो, तो ये जॉब है। इसमें सिलेबस नहीं बता रखा, एग्जाम पैटर्न भी नहीं बता रखा, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरव्यू होगा या डायरेक्ट भर्ती है, पेपर होगा, कुछ नहीं लिखा इसके बारे में। कुछ लिखा होता तो मैं बता देता। ठीक है, तो आप ऑनलाइन जाके सर्च कर लेना, अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं देख लूंगा। वैसे आप लोग ही देखो, थोड़ी बहुत आप लोग भी मेहनत करो, मैं तो आपको जॉब के बारे में बता दिया। बात करते हैं थोड़ी चैनल के बारे में। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं चैनल पे बताता हूँ। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, टाइमली आपको अपडेट मिल जाएगा जो भी लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, अपकमिंग वैकेंसी हो। राजस्थान में आ रखिये वैकेंसी विधि रचनाकार की, भर लो RPSC में आ रखिये, 5 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जिस दिन मैं वीडियो डालूंगा शायद वो स्टार्ट हो गया होगा फॉर्म, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लेना विधि रचनाकार के आ रखिये। एक ने कमेंट किया था सर आप बाहर वाले बच्चों को मत बताया करो वैकेंसी जो रहा। अब देखो यार सब बच्चे हैं जॉब चाहते हैं, तो अपना काम तो फर्ज है बताना, आप भी बताया करो, जिसकी नौकरी लगनी होगी जिसके नसीब में जो होगा हो जाएगा। तो इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जॉब सब अपने फ्रेंड्स को ही बताया करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नसीब में होगा तो उसको कोई नहीं ले सकता जो आपके नसीब में। ठीक है, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहो अपने लाइफ में। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, कोई क्वेश्चन हो डाउट हो मुझे मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो जरूर कर लो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, आधे से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे, और सामने बाईपास है तो इग्नोर करो साउंड को, ये गाड़ी ऐसे ही भगाते हैं आजकल, इतनी ठंड में भी भगा रहे हैं पता नहीं। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।